हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम अगेन टू माय चैनल स्मिता स्पेशल ब्यूटी एंड कुकिंग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ गोभी मंचूरियन की रेसिपी शेयर करूंगी। तो फ्रेंड, ये गोभी मंचूरियन बिल्कुल ही रेस्टोरेंट जैसा बनता है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड, इस गोभी मंचूरियन को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने एक गोभी ली है मीडियम साइज़ की, जिसको मैंने पीसेस में काट लिया है। तो मैंने ज़्यादा बड़े पीस नहीं किए, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक फ्राई पैन लूँगी जिसमें गर्म पानी को डाल दूँगी, और इसके बाद मैं यहाँ पे एक टेबलस्पून नमक का डालूँगी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो भी गोभी के पीस हमारे पास हैं उन सभी को मैं पानी में डाल दूँगी और अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी, ताकि जो नमक वाला पानी है गोभी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसको मैं हाई फ्लेम पर जब जो बॉयल हो जाएगा तो 2 मिनट तक बॉयल करूँगी, इसको ज़्यादा बॉयल नहीं करना है। तो 2 मिनट के बाद मैंने इसका पानी निकाल दिया है। अब इस गोभी को ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तो इसकी कोटिंग के लिए यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून मैदे के लिए है और 3 टेबलस्पून यहाँ पे मैं कॉर्नफ्लावर के लूँगी, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका जो है लम्प फ्री बैटर तैयार कर दूँगी। तो बैटर को थोड़ा सा हमें पतला ही रखना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं थोड़ा सा कलर लगाने के लिए इसमें मैं देगी मिर्च का यूज़ कर रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। तो इसके बाद फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा मैं गोभी के पीसेस को डालूंगी और अच्छी तरह से कोट कर दूंगी, जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक साथ गोभी को डाल दोगे तो आपकी गोभी जो टूट सकती है। तो जब ये अच्छी तरह से कोट हो जाए तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं 1 टेबलस्पून जो है कॉर्नफ्लावर का इसमें और डालूंगी, इससे ही हमारी गोभी बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बनेगी। तो इसको ढक कर 5 मिनट के लिए रख दें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो ऑयल लिया है और ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पर ही रखा है। तो मीडियम फ्लेम पर मैं एक एक गोभी के पीस को डालूंगी और इसको 2 मिनट तक फ्राई करूंगी। तो फ्रेंड्स, अभी ये गोभी हमारी तैयार नहीं हुई है, 2 मिनट्स के बाद मैं इसको निकाल लूंगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आगे भी देखिए तो मैं बताऊंगी कि कैसी आपकी जो गोभी है वो क्रिस्पी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी। तो फ्रेंड्स, पहले मैं सभी गोभी को मीडियम फ्लेम पर ही 2 मिनट तक फ्राई करके निकाल लूँगी। तो मैंने फ्रेंड्स सारी गोभी को निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं जो फ्लेम है गैस का बिल्कुल हाई कर दूँगी, और हाई फ्लेम पर ही हमने जो गोभी को फ्राई किया था फिर से डालूंगी, और बिल्कुल हाई फ्लेम पर हम गोभी को 2 मिनट तक गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, यही कारण है कि जब हम मार्केट से रेस्टोरेंट से गोभी मंचूरियन खाते हैं तो वो बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी जो गोभी है बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के लिए है, 1 टेबलस्पून जीरे का लिया है, 2 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक के लिए है जिसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। इसके बाद यहाँ पे मैंने 1 मीडियम चॉप्ड ऑनियन लिया है, 1 ग्रीन चिली लिया है जिसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। जब भी अच्छी तरह से भून जाएगा फ्रेंड्स, तो इसमें थोड़े से मैं चॉप्ड स्प्रिंग ऑनियन डालूँगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून जो है चिल्ली सॉस का, 2 टेबलस्पून जो है सोया सॉस के, और 2 टेबलस्पून ही टमाटो सॉस के डालूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें नमक डालूँगी, स्वाद के अनुसार आप नमक डालें। तो इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 1/2 कप पानी का डाला है, तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो फ्रेंड्स, जब ये इसमें थोड़ा सा पानी गर्म हो जाए, बॉयल आना शुरू हो जाए, तो फ्रेंड्स इसमें मैं जो है कॉर्नफ्लावर लिया है 1 टेबलस्पून, इसमें मैंने 4 टेबलस्पून पानी के डालकर उस पानी को तैयार कर लिया है। तो उस पानी को मैं 2 बार डालूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। तो फ्रेंड्स, हाई फ्लेम पर आप देख सकते हैं जो ग्रेवी है बिल्कुल ही गाढ़ी हो गई है। तो इसमें मैं जो गोभी हमने फ्राई की है उसको डालूंगी और बिल्कुल ही हल्के हाथों से इसको मिक्स करूंगी। तो हमारी फ्रेंड्स, ये गोभी मंचूरियन तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये गोभी मंचूरियन बिल्कुल ही बाजार जैसा बनता है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।